यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 2 मिनट गाइस, कुछ कुछ ग्रुप्स पर लिंक तो गई है बट पता नहीं कुछ इशू आ रहा है ही। जस्ट अ मिनट, 16 पे आ गया है, 17 पे पेंडिंग है, आ गया है, 11 पे नहीं आया है। या भाई, यस, 18 आ चुका है, 14 पर भी आ चुका है, 10 पे। ठीक है, अब आ गए सारे ग्रुप्स पर, मेरे ख्याल से सारे सभी ग्रुप्स पर आ चुका है ना। देखना सर, टेलीग्राम पे एक बार डाल दो, फिर काम खत्म, अपना काम शुरू। ठीक है, ओके, चलो। सबसे पहले आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में बेटे, 20 मिनट्स लेट। तो चलो बिना समय गवाए सीधे चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, डेली आना है लेक्चर में, लेक्चर में आके गुड मॉर्निंग कमेंट करना है, गुड मॉर्निंग कमेंट करके लाइक ठोकना है और अपने अपने दोस्त के साथ लिंक शेयर करना है। यार तुम्हारी फोटो की अलग दिक्कत है यार। ठीक है, आ जाओ। अकोमोडेशन बिल वाले कॉन्सेप्ट पे थे हम, अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। डाउट सॉल्विंग सेशन में भी मैंने कहा था जब अकोमोडेशन बिल खत्म हो जाएगा से इंडिया जीत गया। यस, इंडिया जीत गया, बहुत जबरदस्त मैच थी कल की, बहुत जबरदस्त, सब देखा भाई, जबरदस्त मजा आ गया, बहुत देखा, जबरदस्त मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आया। यस, चलो थोड़ा सा आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा या थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा वो मेरा जो वो लाइट है ना, जो लाइट होता है रिम लाइट, जिसका लाइट आता है, प्रकाश पड़ता है ज़ोरदार, वो थोड़ा सा धोखा दे गया है सुबह सुबह, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने 1 मिनट, 1 मिनट, चलो वेरी गुड, पूरा चेक कर लिया।
आशीष सर की क्लास होगी बेटे, बट कुछ दिनों बाद होगी। अभी हम थोड़ा सा मेजर चैप्टर्स कवर कर ले, उसके बाद होते हैं। हाँ बराबर सोन, अब बड़ी पार्टी देता हूँ, पर गरीबी का मजाक उड़ाओ मेरे। तुम लोग गूगल मीट की लिंक तो सभी ग्रुप्स पर आती है बेटे, ऐसे नहीं कि किसी ग्रुप पर नहीं आती है या किसी ग्रुप पर आती है। गौरव रावत, हर ग्रुप पर आती है लिंक बेटे, 1 to 24 जितने भी अपने ग्रुप्स उन सब पे आती है। ठीक है चलो आ जाओ। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रू अ 4 months बिल ऑन वाई फॉर 4000। देखो किसने ड्रॉ किया है, एक्स ने ड्रॉ किया है वाई के ऊपर। यह हमने कल उस दिन एक्सप्लेन भी किया था। एक्स जब ड्रॉ करेगा वाई के ऊपर, सबसे पहला बिल एक्स ड्रॉ करेगा। इसके बाद सर इसके बाद एक्स ने क्या किया, ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और आधा पैसा डिस्काउंट के साथ ट्रांसफर कर दिया। आधा पैसा डिस्काउंट के साथ ट्रांसफर कर दिया। चीयर्स गाइस। आधा पैसा क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सर, किसको, वाई को। ओके उसके बाद अब वाई के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वाई ने क्या किया, सॉरी एक्स के पास पैसे जो उसके हिस्से के पैसे थे, बिल हमें ऑनर करना था वाई को, तो उसके बदले में एक्स को अपनी पेमेंट करनी थी, बट एक्स के पास पैसे नहीं थे, तो वाई ने क्या कहा, वाई ने अब एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया नया 7000 का। 7000 का बिल ड्रॉ करने के बाद, 7000 का बिल ड्रॉ करने के बाद उन्होंने, अब वाई ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया। बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद 6600 रुपये आए। उन 6600 में से आधा हिस्सा 3300 बनता है एक्स का, 3300 बनता है वाई का। अब 3300 रुपये जो एक्स के बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे, 3300 रुपये जो एक्स के बनेंगे वो हमें समझना है। उसमें से हमने काटे कितने, हमने ऑलरेडी कट कर लिए, कितने कट कर लिए सर, हमने 2000 रुपये कट कर लिए, और 2000 कट करके 1300 रुपये दे दिए। सर 2000 क्यों कट किया सर हमने, वैसा पिछले बिल का जो पेमेंट बाकी था एक्स का वो आएगा, तभी तो हम ड्रॉवी जो बैंक का बिल हम पे कर पाएंगे। बराबर है, भाई सोहन इतना अमीर आदमी भी नहीं हूँ मैं, गरीब हूँ भाई। मैं खुद ओप्पो का फ़ोन वापरता हूँ, छोटा वाला, इसे 10000 वाला। मालूम है इतनी गरीबी है मेरी। तुम कहते हो कि सर का दिल बड़ा है, दिल बड़ा है, नो डाउट दिल बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, जेब बहुत छोटी है। बल्कि यूं कहूँगा मैं तो, जेब ही नहीं है, ट्रैक पैंट पहन के बैठा हूँ, जेब ही नहीं है, क्या करें। कमल शर्मा राम राम। जतिन कुमार थोड़ा सा लेट हो गए, चलो चलो चलो, मैं भी लेट हुआ हूँ आज, चलो आ जाओ। उसके बाद अब हमने बाकी बचे 1300 रुपये, हमने क्या कर दिए, 2000 उसके पहले के बिल के कट करके 1300 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि अब यहाँ पर, जब यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो पहले बिल का पूरी तरह से सेटलमेंट हो चुका है ना, हमें एक्स से कुछ लेना है ना हमें एक्स को कुछ देना है, आपस में भी इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल पहला वाला पूरी तरह सेटल हो चुका है। अब दूसरे बिल की अगर हम बात करें, जहाँ पर एक्स से इनसॉल्वेंट हो जाता है, एक्स इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके एस्टेट से कितना रिकवर हुआ है हमें ये देखना है। ठीक है, हमें एक याद रखना है, हमेशा जब भी एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि 25, उससे जितना ड्यू था उसका 25% रिकवर हो गया या 40% रिकवर हुआ, ऐसे ही दिया जाता है। बट हमें यही पता नहीं कि भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कितना, किसका 20%, किसका 40%, किसका 50%। यहाँ पे दिख थैला है, अच्छा नहीं भाई जतिन, सब टीचर ऐसा कहाँ कहते हैं। यही सही बात है रस बिहारी जी, सही बात है।
मेरा दिल बहुत बड़ा है बट जेब तक नहीं जाता। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया। देखो बैड डेट्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, ध्यान से समझना। अमाउंट ऑफ बिल इंटू 8 तक पेपर था, तो आप ये भी कर सकते हो, बैच टू भी कर सकते हो बेटे, रेजूर कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया सबको? ओके, अमाउंट ऑफ बिल इंटू अमाउंट ऑफ बिल इंटू, अमाउंट ऑफ बिल इंटू, ध्यान से सुनेंगे, इंटू शेयर इंटू रिकवरी, कितना परसेंट हुआ, सिंपल। बड़े ध्यान से सुन, ऐसे जो भी कोई आता रहेगा ना फालतूगिरी के लिए, मैं उसको चैनल पे ब्लॉक कर दिया करूँगा। आप चिंता, आप उस पर ध्यान लगाकर वो क्या बोल रहा है उस पर, उसको बोल के आप उसको रिएक्ट करके उसको इम्पोर्टेंस मत दो। ऐसे लोगों को जब आप रिएक्ट कर, इनको इनको आपका रिएक्शन ही चाहिए होता है, तो हम बिना वजह उस पर रिएक्शन देंगे, अपना टाइम ख़राब करेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता बेटे। मैं 2 बार 3 बार देखूंगा, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही कर रहा है, तो मैंने ब्लॉक ही कर देना है। ठीक है, चिंता मत करो, ऐसे छोड़ दिया करो, उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, क्लास में ध्यान दिया करो। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो, ये आई होप ये सबने लिख लिया था कल, मुझे बोलो ये कल लिख लिया था क्या सबने, ये कल लिखा था सबने? चलो रेडी है, आ जाओ आ जाओ फटाफट, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। छोड़ो 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 छोड़ो, रस बिहारी इतना गुस्सा नहीं दिखाते, भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, ना चिंता नहीं करते, इतना नहीं सोचते इस बारे में। आ जाओ, हमें इन लोगों को गाली देने के बजाय हमारे पास और भी करने के लिए इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा है बेटे, यहाँ पर आ जाओ। 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल, चलो सबसे पहली एंट्री किसकी बुक्स में एंट्रीज मांगी, जनरली द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स की बुक्स में आते हैं सबसे पहले, ड्रॉवर जो है सबसे पहले, भाई साहब 1 अप्रैल के दिन बिल ड्रॉ किया गया है, तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बोलो डन। ये आ गया। अब फिर से एक्स ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया। हाँ सर, बिल डिस्काउंट करवाया एक्स ने, तो आ जाओ पैसा ले लेते हैं बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे सब लोग, ये थोड़ा सा दो एंट्रीज थोड़े ध्यान देना यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 10 कर रहे हैं बेटे अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे है अपन, ठीक है। आ जाओ, डिस्काउंट करवाया हमने कितने में, 3920, ठीक है। यहां कहते हैं हम लोग डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अस्सी बिल चला गया आपका बैंक के पास, बिल रिसीवेबल 4000, बराबर यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको। अब क्या हुआ सर, अब हुआ यूं कि हमें ये पैसा देना है वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, 4000 में, 4000 में वाई का हिस्सा है कितना, 2000 रुपये। तो ये लो वाई का हिस्सा है 2000 रुपये, वाई अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक, बैंक बैंक आधा पैसा उसे देना है ना हमें, तो 3920 का 50% देखो कितना आता है, 1960 और टू डिस्काउंट, उसके हिस्से का डिस्काउंट भी हम उसे दे देंगे 40। देखो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन बिल में बेसिकली बच्चा जो एंट्री भूल जाता है वो ये वाली एंट्री है, वो याद नहीं रख पाता ये वाली एंट्री, बस हमें पैसा ही देना है ना, तो हमने एंट्री वही की है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस इसमें साथ साथ पैसों के साथ हमने उसके नाम पर उसका डिस्काउंट जितना उसके हिस्से का डिस्काउंट था वो भी ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट 80 से डेबिट है, 40 से क्रेडिट है, मतलब अपने बुक्स में डिस्काउंट बचा सिर्फ 40 का, तो हमारा जितना हिस्सा है आधा उतना डिस्काउंट हमने बेयर किया, दैट्स इट। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको, बोले यहाँ तक क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, क्लियर यहां तक, ओके क्लियर सर। अब इसके बाद यहां इस बिल का ड्यू डेट कितना था सर, इस बिल का ड्यू डेट देखो, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ गया, 1 अगस्त प्लस 3 दिन 4th अगस्त, तो 4th अगस्त को आते हैं, नहीं, काम करो गुलनाज, काम करो, आज का लेक्चर आप अटेंड मत करो क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट लेक्चर है आज का, ठीक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने देखा नहीं है, तो इट इज़ बेटर आप कल से ज्वाइन कर लेना, कल से जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल से आप ज्वाइन कर लो, इसके पहले का जितना है लैग आज आप 2 से 3 लेक्चर देख के ख़त्म कर लो, अभी समय है आपके पास, तो आज ख़त्म करो 2 लेक्चर, कल से लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों देख लेना, ठीक है गुलनाज। बेटे दिल से सीए मैं दे दूंगा, अभी वो लेवल आया नहीं है, संयम रखो, मैं आपको दूंगा अलग से क्वेश्चंस, चिंता मत करो आप, ठीक है। आ जाओ 4th अगस्त को, अब हुआ यूं, अब वाई एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ करने वाला, मतलब हमारे लिए अब क्या हुआ, बिल पेएबल हुआ बेटे, क्या हुआ, बिल पेएबल हुआ। तो आ जाओ हम एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, नया बिल 7000 का है, ये रहो 7000 का बिल, बराबर है। अब ध्यान से समझना है, ये वाला बिल
वाई बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, बैंक से डिस्काउंट करवा के बैलेंस पैसा हमें देगा। तो हमें इस बार पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, 1300 रुपए ही आए हैं जबकि 3300 आने चाहिए थे। बात समझो, डिस्काउंट मेरे हिस्से का उसने भेज दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। दो हजार 500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, है ना। हमारे हिस्से का डिस्काउंट उसने हमें दे दिया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना एक बात, यहाँ पर फिर वाई ने एक्स के ऊपर विड्रॉ किया, वेरी गुड जतिन, समझ में आ गया तुम। अगस्त की फर्स्ट एंट्री। अब ये तो हमारे लिए बिल पेएबल हुआ ना बेटा। वाई ने अब एक्स के ऊपर विड्रॉ किया, पहले एक्स ने यानी मैंने बिल ड्रॉ किया था वाई पर, अब वाई ने बिल ड्रॉ किया हम पर यानी कि एक्स पर। क्लियर? हाँ सॉरी सॉरी, 1500 होगा, 2500 लिख दिया, 1500, ठीक है। 2y 1500 रुपये, यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो इसके बाद 4 अगस्त के बाद कितने महीने का बिल था 4 अगस्त का? एनेबल टू सेंड ड्यू डेट, वाई ड्रॉज अ बिल फॉर 7000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6600 एंड सेंस 1300 रुपये बिफोर द बिल ड्यू डेट। अच्छा चलो, सेकेंड बिल का उन्होंने पीरियड नहीं दिया है तो हमें पता ही नहीं कि वो ड्यू कब होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना है। अब क्या करेंगे सर, इनसॉल्वेंट हो गए हैं। नहीं होगी धीरे, तो टेंशन मत लो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आ जाओ पहले, अब इनसॉल्वेंसी के स्टेजेस आपको याद है दो, डिस्काउंट की कैलकुलेशन बताता हूँ। हाँ ये डिस्काउंट की कैलकुलेशन बताना भूल गया मैं, ये डिस्काउंट देखो, यहाँ पर जब दूसरे समय में जब डिस्काउंट आता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? शेयर इन बिल वन प्लस अमाउंट रेमिटेड अपॉन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इनटू डिस्काउंट। सर ये तो सिंपल सा था, इसके लिए फॉर्मूला क्यों बनाने की जरूरत पड़ी सर? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वाले बिल पे हमने सोचा है कि 50% तेरा 50% मेरा, बट सेकेंड बिल में ऐसा हो सकता है कि मेरा 70% आपका 30%, या आपका 70% मेरा 30%, प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। तो वो प्रोपोर्शन हमें पता कैसे चलेगा? तो प्रोपोर्शन हमें यहाँ से पता चलेगा बेटे। शेयर ऑफ पहला वाला बिल यानी कि 2000 रुपये प्लस 1300 रुपये अपॉन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 6600 रुपये। तो जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा पहले बिल का हिस्सा प्लस अभी जितना अमाउंट मिला है उतना आउट ऑफ दिस टोटल अमाउंट उतना शेयर हमारा है इनटू डिस्काउंट, यानी आपका डिस्काउंट इस बार 400 था, ये रहा आपका कैलकुलेशन डिस्काउंट का। फर्स्ट बिल ऑनर की एंट्री संस्कार वाग, फर्स्ट बिल जो है वो उसमें वाई ड्रॉवी है तो वो ऑनर करने वाला है बिल का, हम ऑनर नहीं करने वाले संस्कार, समझ में आया कि बेटे? ऑनर वो करेगा। अब जब वाई के बुक्स में जाएंगे तो देखना वहां पर ऑनर की एंट्री आएगी, ठीक है। अब इसके बाद
अब हमें क्या करना है, बिल कैंसिल करना है सर, क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। सात हजार बराबर, बिल हो गया कैंसिल। अब ये 7,000 में से एक्चुअली हमारा हिस्सा कितना था, सिर्फ 3,500 का, तो वाई अकाउंट डेबिट 3,500। तो बैंक जितना रिकवर करके दे पाए और बाकी टू डेफिशिएंसी, हमने कैलकुलेट किया था ना। टू सिक्स टू फाइव एट सेवन फाइव, बोलो यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है सबका। एट डो क्लो बोलो जल्दी, वाई की भी बुक्स में एंट्रीज करनी है। डन यहां तक बोलो जल्दी, डन डन क्या बोलो जल्दी यहां तक सब। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अमाउंट रेमिटेड मतलब रेमिट करना, पे करना। थ्री नाइन टू जीरो कैसे आया था, डिस्काउंट ना बेटे। देखो ये जो है यहां पर आओ, कितना मंथ का बिल बोला, एक डिस्काउंट द बिल फॉर इज बैंकर 6% पर एनम, तो 4,000 इंटू 6% इंटू 4/12, आपका डिस्काउंट आ जाएगा 80 रुपये। 4,000 माइनस 80, 3,920। समझ में आया बंबानी। लास्ट नहीं आई, प्लीज रिपीट, कौन लास्ट नहीं आई। हितांशी रुक जाओ बेटा, मैं आपको बोलता हूं तब बताना। नहीं ना बेटे रिकॉर्ड, अच्छा यहाँ पर एक्स का बोला है कि, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक तरफा लव है, एक्स के बुक्स में करना है, बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम दो तरफा कर देते हैं, मेरे दिल को बुरा लग रहा है। ठीक है आ जाओ, लास्ट वाली एंट्री देखनी है, लास्ट वाली एंट्री देख लो। वाई को हमें 3,500 देने हैं, उसमें से हम सिर्फ 875 दे पाए, 2,625 हमारा डेफिशिएंसी हो गया। फॉर्मूला भी देख लो बेटे, शेयर ऑफ बिल वन, शेयर ऑफ बिल वन प्लस अमाउंट रिमिटेड अपॉन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये आपका शेयर बनेगा नए बिल में, शेयर इन द न्यू बिल, इनटू डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हिस्से का डिस्काउंट मिल जाएगा। वाई से मांग सकती है क्या, मतलब वाई से ही मांगना पड़ेगा, बैंक वाई से ही मांगने वाली है क्योंकि एक्स अभी दे नहीं पाएगा। सेकेंड बिल तो ऑनर कैसे होगा बेटे,
सेकेंड बिल तो वो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया ना, वो कहाँ से ऑनर होगा अब? तो समझ में आ रहा है क्या? वो ऑनर अब कौन करेगा? वो ऑनर ड्रॉवर को ही करना पड़ेगा, वाई को ही ऑनर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब जब वो बैंक एक्स के पास बिल मांगने जाएगी, देखेगी अरे एक्स तो कंगाल हो गया, फिर ये बिल किसने दिया था? वाई ने दिया था, चलो वाई के पास, वाई से वसूल करके आएगी बैंक, सिंपल ऐसे ऑनर होगा वो बिल। ठीक है, हाँ, लास्ट एंट्री की डेट में भी क्वेश्चन मार्क लिखने, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया नहीं है। टीचर्स डे पर पार्टी जरूर जरूर जरूर, टीचर्स डे पर पार्टी करेंगे। यस, चलो आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय सब वाई ही करेगा अब? गंदे हैं। 2020 इन दी बुक्स ऑफ वाई, 400 तो क्वेश्चन में दिया है ना बेटे, मिस्टिक कार्तिक, मिस्टिक कार्तिक, देखो 7,000 का बिल था, 6,600 में डिस्काउंट कराया, तो मतलब बाकी का बचा हुआ 400 रुपये डिस्काउंट है आपका, 7,000 माइनस 6,600। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट अप्रैल, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसके लिए बिल रिसीवेबल था तो हमने वो बिल एक्सेप्ट किया था, बराबर? तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे लिए बिल पेबल हो जाएगा तो हम एंट्री करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 4,000, 4,000 डन। ठीक है, वाई के लिए बिल्स पेबल, वेरी गुड। अब इसके बाद ध्यान से समझना, एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया, देखो दूसरा वाला बिल वाई ने डिस्काउंट करवाया था, तो वो डिस्काउंट की एंट्री आपको एक्स के बुक्स में नहीं मिलेगी, और ये वाला जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट किसने किया था? एक्स ने किया था, तो वाई के बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, बराबर है ना? अब ये वाला बिल जो है एक्स डिस्काउंट करवाएगा, डिस्काउंट करवा के हमें वो पैसा देगा, हमें पैसा देगा तो हम पैसा ले लेंगे उससे, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना पैसा देगा? देखो सुनो ध्यान से, टू एक्स अकाउंट, एक्स का हिस्सा कितना था सर इसमें? 2,000, बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितना हमारा हिस्सा था, हमारे 2,000 के हिस्से में से उसने हमें 1,960 का कैश दे दिया और 40 रुपये का डिस्काउंट हमने ले लिया, 1,960 हमने उससे कैश ली और 40 रुपये का डिस्काउंट भी ले लिया उससे। क्लियर? एक्स का अकाउंट क्लोज कर दो, एक्स का कौन सा अकाउंट क्लोज करो बेटे? एक्स का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, एक्स का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है बेटा, अब ध्यान से समझना है। डिस्काउंट कर दिया, उसने हमें पैसा दे दिया, अब ध्यान से समझ, अब यहां पर हमने क्या कर दिया था, 1 अप्रैल को हमें पैसा आ गया, 4 अगस्त के दिन अब हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, बराबर ना? हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, हाँ सर हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, बट ध्यान से समझना हमको एक चीज़ है यहाँ पर, क्या? हमें सबसे पहले 4 अगस्त के दिन
जो पुराना बिल था उसे ऑनर करना पड़ेगा। हाँ सर, उसे ऑनर करना पड़ेगा ना सर। तो पहले उसको ऑनर कर देते हैं, कैसे, बिल पेबल की अमाउंट पे करके, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने हम बैंक को पे कर दिया, ठीक है, हमने पूरे 4,000 पे कर दिए। याद रखना, हमने हमारे 2,000 और एक्स के 2,000 दोनों के मिला के ऐसे 4,000 हमने पे कर दिए सर। ओके ठीक है। इसके बाद अब 4 अगस्त के दिन अब हमारी बारी, अब हम विड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर। तो देखना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 7,000 का नया विड्रॉ किया हमने, टू एक्स बराबर 4 अगस्त के दिन। अब उसके हिस्से का पैसा हम उसको लौटाएंगे, एक्स अकाउंट डेबिट। बट देखो ध्यान से समझना, एक्स से हमें पहले ही पैसे आने बाकी थे, कितने, 2,000 रुपये। तो इसलिए हम उसको पूरा पैसा नहीं देने वाले। टू, उसके नाम पे हमने डिस्काउंट कर दिया 200 का, और बाकी का टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर दिया उसको, कितने का, 1,300 का बराबर, तो उसको गया टोटल 1,500 रुपये। क्लियर? अब भाई साहब हुए क्या, इंसॉल्वेंट। लो बिल कैंसिल, और अब डन ब्रो, डन। अभी नहीं निकले, निकल जाएंगे तो बता दूंगा आपको। एवरीबडी डन क्या? चलो आ जाओ, दस हो चुका, 11। एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इस बार अमाउंट चेंज है 30,000, ऑन 1 अप्रैल 2024, 3 मंथ्स, ठीक है सर। या आ जाओ, ड्राइंग करते ना अपन, एक्स एक्स ड्रॉज ऑन वाई 30,000 सर। ओके नेक्स्ट, वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड्स इट टू एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800। बैंक से डिस्काउंट करवाया सर 28,800 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये का डिस्काउंट मार दिया सर।
इसमें से फाइव को कितना रिमिट करेंगे सर? 9602 y, इमिडिएटली रिमिट्स 9602 y, उन्होंने 9600 दे दिए। ठीक है, सवाल ये है कि सर डिस्काउंट कितना देंगे? एक्स टू बैंक होगा 7000 क्या? कौन सा एक्स टू बैंक बेटे? अच्छा एक्स को कौन सा पैसा पे कर रहे हो 7000 आपका? इंडियन एजुकेशन स्कूल वाले रिजल्ट नहीं दे रहे? ऐसे कैसे रिजल्ट नहीं दे रहे बेटे? किशन कान जाके स्कूल में बात करो। इंडियन एजुकेशन एक्स टू बैंक होगा क्या 7000 रुपये? क्यों क्यों होगा ये? अब सर ये डिस्काउंट समझना है कि कितना डिस्काउंट देना है। तो देखो ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, 9600 डिवाइडेड बाय 28800 इंटू 1200, फोर हंड्रेड का बेटे डिस्काउंट ट्रांसफर होगा 400 का। ये डिस्काउंट का शेयर निकाला है मैंने, ये डिस्काउंट का शेयर निकाला है मैंने। लास्ट एंट्री बैड डेट्स की एंट्री ना बेटे, जितना पैसा रिकवर हुआ बाकी का बैड डेट्स और बाकी का डूब गया पैसा 3500 रुपये। 7500 में से तो एक्स से सिर्फ 3500 ही लेने थे हमें, तो 3500 में से जितना परसेंट डूब गया वो बैड डेट्स, जितना परसेंट आ गया वो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, खत्म। डन, पूरा 7000 क्यों पे करेगा बेटे? वाई तो पूरा 7000 पे करेगा, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया विशाल वही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला थोड़ी ना है। जितना पैसा हम रिमिट कर रहे हैं, बिल वन प्लस अमाउंट रिमिटेड, बिल वन तो है ही नहीं यहां पर, तो प्लस अमाउंट रिमिटेड कितना है 9600 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट अमाउंट कितना है 28800 इनटू डिस्काउंट, वही वाला फॉर्मूला है बेटे, अलग फॉर्मूला यूज ही नहीं करूंगा। जब भी अलग फॉर्मूला यूज करूंगा तो बट ऑफिस बताऊंगा ना आपको बेटे, ये वही फॉर्मूला है, बिल्कुल चेंज नहीं है फॉर्मूला में। आ जाओ अब इसके बाद, ऑन द ड्यू डेट एक्स बींग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 42000 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब पेमेंट नहीं कर पाए तब तो हुआ यूं कि वाई ने बिल ड्रॉ किया है। बट ऑब्वियस वाई उसे डिस्काउंट करवाएगा। ये डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,110, 40,110 ठीक है, ये हमें रेमिट करना है इसमें से कुछ पैसा एक्स को। ध्यान से सुनेंगे, वाई सेंड्स 6740 टू एक्स, 6740 जी दिया सर। सर डिस्काउंट कितना आएगा सर? डिस्काउंट डिस्काउंट देखो कितना आएगा, पहले वाले बिल का अमाउंट कितना था? आना था 9600 प्लस 400, 10000 रुपये।
बराबर है, तो इसमें से 20,000 उसके हुए, बराबर है, 20,000 प्लस अभी हमने कितना दिया, 6740 अपॉन 40,110 इंटू डिस्काउंट 1890 आ जाओ, 20,000 प्लस 6740 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 1890 1259 यानी कि 60 1260। हाँ सेम क्वेश्चन है, मुझे पता है, यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेशन उन्होंने सीधा प्रोपोर्शन नहीं दिया, डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है दोनों तरफ, बस फर्क इतना ही है। तो देखो ना, ये वाला बिल की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ये वाले बिल की अगर मैं बात करूँ, टोटल 30,000 का बिल है, तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है इसका, देखो 28,800 प्लस 9,600 इज इट 38,400, यस सर दिस इज 38,400, और ये आप देखो 1200 प्लस 400 इज इट 1600, हाँ सर 1600। सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, टोटल नहीं लेना था, माइनस करना था, 28,800 माइनस 9,600 दे दिए तो 19,200 किसके हुए, एक्स के, एंड 1200 माइनस 400 800 हुए एक्स के, तो ऐसे टोटल एक्स का कितना हिस्सा हुआ, 20,000 एक्स का, बराबर, और 9,600 प्लस ये जो है ये 10,000 वाई का, सिंपल, तो 20 और 10, हितांशी शर्मा समझा 20,000 कैसे आया, देखो ना 28,800 में से 9,600 गए वाई को, तो एक्स के कितने बचे, 19,200, 1200 में से 400 गए वाई को, तो एक्स के कितने बचे, 800, तो टोटल एक्स का हिस्सा कितना हुआ, बीस हजार, बोलो 20,000 कैसे आया, समझ में आया सबको, 20,000 कैसे आया, समझ आया सबको, एवरीबडी टेल मी, 20,000 कैसे आया, समझ आया क्या, चलो बढ़िया आ जाओ, तो इसका डिस्काउंट भी आ गया, बराबर, अब बट ऑब्वियस देख लेना, एक्स इंसॉल्वेंट होने वाला है बिफोर द मैच्योरिटी, एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रुपी, गिव जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, इजंट इट अ सेम सम विथ ओनली अमाउंट्स चेंज्ड, ओके नाउ हम देखो उसको कितना दे रहे हैं, अबे उसका जो ड्यू है, बीस हजार बिल वन का, हाँ सर, और बिल टू का कितना, 8,000 बिल टू का, बराबर, इसको छोड़ दो, इसका हिस्सा कितना बनता है, यहाँ पर देख लो सिर्फ कितना, यहाँ पर 28,000 ये बिल का जो सेकंड बिल में उसका जो हिस्सा था, पहले बिल का 20,000
हाँ तो वाई ने कट करके दिए ना, वाई ने कट करके दिए है ना, तो मैं तो ये निकल रहा हूँ ना, ड्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक मिनट, ड्यू ऑफ एक्स की वजह मैं लिखता हूँ, शेयर ऑफ एक्स इन बिल टू, बिल टू ठीक है, 28,000, इसमें से 28,000 में से चौदह हजार बैड, 14,000 रिकवर्ड, बोलो डन। चौदह हजार दे दिया, 14,000 डिफिशेंसी, वेरी गुड इंडिया इंडियन एजुकेशन। इक्वल के बजाय अलग रेशियो में, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना बेटे, 25% करेंगे, 40% रिकवर्ड है, 25% रिकवर्ड है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना शुभम साहू, लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने दिया था 25% इज रिकवर्ड, तो इसलिए 25% लिया, यहाँ पर उन्होंने बोला 50 पैसे इन रुपी इज रिकवर्ड, तो इसलिए 50% लिया। 28,000 वाला देखो, उनका सेकेंड बिल में हम क्या कहते हैं, सेकेंड बिल में जितना शेयर बनता है उसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो सेकंड बिल में उनका शेयर कितना बना, सेकंड बिल में एक्स का 20,000 रुपये पहले बिल का वसूल करना था, हाँ सर वो 20,000 उसी का हुआ, हाँ सर, प्लस जो हमने अमाउंट उसे ट्रांसफर कर दी, ये जितना अमाउंट और डिस्काउंट हमने उसे सेकंड बिल का ट्रांसफर किया, ये 8,000, समझ में आया कि 28,000 कैसे आया। विशाल भाना एक बार और क्या बताऊं बेटे, कौन सा वाला पार्ट बताऊं वो तो बोलो, फर्स्ट बिल में अमाउंट 10,000 और 20,000, ये देखो ना बेटे, टोटल बिल कितने का था, 30,000 का था, 30,000 में से आपने डिस्काउंट करवाया, पैसा आया 28,800, डिस्काउंट गया 1,200 रुपया, अब इसमें से आपने 9,600 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, जिसका प्रोपोर्शनल डिस्काउंट आया 400, ये आपने पूरा वाई को दिया है, तो वाई को आपने 10,000 दिए ना, 9,600 कैश में और 400 डिस्काउंट में, तो वैसे जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट हो वो एक्स का शेयर हुआ बेटे, वो एक्स का शेयर हुआ, क्लियर, वो एक्स का शेयर हुआ, विशाल समझा कर बेटे, 30,000 का जो बिल ड्रॉ किया था उसमें से 10,000 हिस्सा हुआ वाई का और एक्स का हिस्सा हुआ 20,000, क्लियर, फिर जब वो पैसा दे नहीं पाया तो वाई ने फिर से बिल ड्रॉ कर दिया एक्स के ऊपर 42,000, तो ये 42,000 में से, बात ध्यान से समझो, फोर्टी टू थाउजेंड जब इन्होंने डिस्काउंट कराया 40,110 रुपये, तो 40,110 में से हमें उसे देना था 20,000, मान के चलो 26,740 रुपये उसे देने थे, ठीक है 26,740 रुपये उसे देने थे, ये एक्स का शेयर 13,370 वाई ने अपने पास रखने हैं, ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 20,000 पहले वाले बिल का अमाउंट और बाकी का बचा 6,740 दे देंगे,
समझ आया? क्लियर? सेकेंड वाले में एक्स का शेयर देखो ना, ये रहा एक्स का शेयर। एक्स का शेयर हमने सेकेंड वाले में कैसे कैलकुलेट किया? सर पहले वाले बिल का जितना एक्स का हमने पहले वाले बिल का जो हमने पेमेंट किया एक्स के बिहाफ पे वो वाला, प्लस जितना हमने अभी उसे कैश दिया डिस्काउंट के साथ, ये वाला 6,740 प्लस 1,260 रुपये, ये टोटल 28,000 बिल में उसका शेयर हुआ। हाँ, वैसे ही तो किया है शुभम इन्होंने, वैसे ही किया है 15-15, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली रेशियो दिया नहीं ना बेटे, इसीलिए ऐसे करना पड़ा मुझे। इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया कि इसका इतना परसेंट है, उसका इतना परसेंट है, इसीलिए ऐसे करना पड़ा। बोलो समझ आ गया सबको? ये कॉपी कर लिया सबने? ये कॉपी कर लेंगे एक बार सब, ताकि होमवर्क करने में आसानी हो। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला, कोई फर्क नहीं होगा बेटे, फर्क सिर्फ रेशियो का होगा। जैसे यहाँ पर था ऊपर 50-50% था, यहाँ पर हमने रेशियो ये वाले सम में रेशियो थोड़ा चेंज था, इक्वल रेशियो में नहीं था, दैट्स इट। चलो डन, रेशियो फाइंड करके भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो आप, बट उतना लॉन्ग कट क्यों जाना जब शॉर्टकट हमारे पास फॉर्मूला मेथड अवेलेबल है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा बेटे, जनरल इंडिस इसीलिए हो सकती है, इसके कैलकुलेशन ही समझ नहीं आया इंपॉर्टेंट है। डन विद 11 कमिंग टू 12, आ जाओ 12, 12। चलो आपके पास 2 मिनट का समय है, ऑलमोस्ट सेम है सब, आपके पास 2 मिनट का समय है, मुझे पूरा कैलकुलेशन जैसा हमने अभी लिखा है वैसा लिख के बता दो जल्दी, जैसा हमने फॉर्मेट बनाया वैसा आप लिखेंगे, फिर मैं लिखूंगा, फिर हम मैच करके देखेंगे किसका सही आता है। यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी करो।
चलो डन, क्या कितने का हो गया बोलो जल्दी। पता है समय लगेगा, प्रेशर मत लेना, बट कंप्लीट करना। मैं और एक हाथ 2 मिनट रुकने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खत्म करो, खत्म कंप्लीट करके बताओ, सॉल्व करके ही बताना। चलो डन। बिल डिस्काउंट इज 180, परफेक्ट। परफेक्ट 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 परफेक्ट, बिल का 180 डन, बराबर है। चलो तो सॉल्व करूँ क्या, मैं सॉल्व करूँ अभी, तो देखेंगे, चेक करेंगे कितनों का सही आता है, बताओ। जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ चाहिए तो पॉज कर लो, फिर कंप्लीट करके चेक कर लेना, ठीक है? आ जाओ। कौन दो लोगे भाई साहब? अनिल और संजय। पहले ही समझ जाओ अनिल यहाँ पे कंगाल होने वाला है। सेकेंड बिल डिस्काउंट 270, वेरी गुड शुभम। हाँ अब देखो, अनिल ने संजय के ऊपर पहला बिल ड्रॉ किया है 9,000 का। हाँ सर, 9,000 का। उसके बाद कहते हैं संजय रिटर्न्स इट टू 8820 ऑन 8 अप्रैल। अब इसका 1/3 रिमिट करेंगे और डिस्काउंट ट्रांसफर करेंगे, बराबर है? 60 रुपये डिस्काउंट, कितना संजय को रिमिट कर दिया जाएगा, बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। इसके बाद ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय, बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 12,600 फॉर 3 मंथ्स। वेरी गुड। देखो एक बार, ये 2940 + 16 यानी कि 3,000, 1/3 हुआ ना, 9,000 का 1/3 हुआ, तो ये किसका शेयर हुआ? ये संजय, बराबर। अनिल का शेयर कितना होगा फिर? 8820 8820 - 2940 = 5880, 5880
8 0, बराबर है। ₹6,000 आना चाहिए इसका शेयर, अनिल का शेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। अब इसके बाद अब संजय ने बिल ड्रॉ कर दिया। कितने का बिल ड्रॉ किया संजय ने? 12,600, ठीक है सर। 12,600 का संजय ने बिल ड्रॉ कर दिया। अब संजय ने इसे डिस्काउंट करवाया होगा? हाँ सर, संजय ने डिस्काउंट करवाया होगा। विद संजय डिस्काउंटेड फॉर 12,330, तो सर मतलब 12,600 माइनस 12,330, इसमें डिस्काउंट हो सर 270। हाँ परफेक्ट। अब रेमिट कितना किया है वो देखना है हमें। रेमिट इन्होंने किया है 2,220, बराबर है। अब मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है बेटे। कैलकुलेट क्या करना है? डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो पहले बिल का कितना पैसा देना है, पहले बिल का 6,000 प्लस अब कितना दिया 2,220 अपॉन टोटल 12, पैसा कितना आया था 12,330 रुपये इंटू 270। 6,000 प्लस 2,220 डिवाइडेड बाय 12,330 इंटू 270, यानी कि 230 हुआ ना उसका, 180 180 ट्रांसफर कर दिया हमने, बराबर है सर। हाँ सर। अब बट ऑब्वियस वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, देख लो इंसॉल्वेंट हो गया सर। तो चलो अनिल शेयर, और बिल वन, पहले बिल का 6,000, बिल टू में अभी हमने कितना दिया, बिल टू 2,220 + 180, 2,400, टोटल कितना हुआ सर 8,400 कितनों का करेक्ट है बताओ, कितनों का करेक्ट आया बताओ। बोलो हुआ कि नहीं जी, इसीलिए बोलता हूँ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो समझ में आ जाता है बेटे। वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड हितांशी, वेरी गुड रस बिहारी, वेरी गुड अभिषेक, स्पाइडरमैन वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड पूनम, मैकपी वेरी गुड, वेल डन डन जतिन, वेरी गुड रिया अग्रवाल, पुष्कर केसरी, बहुत बढ़िया। सेकेंड बिल के डिस्काउंट तो करेक्ट आया था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आएगा बेटे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना है। हाँ प्रभात सिंह, उसने दूसरे बिल से रिकवर तो कर लिया ना, मैंने मना कहाँ किया है, मैं तो उसकी शेयर कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी लाइबिलिटी थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा हूँ। 6,000 तो वहां से उसने रिकवर कर लिया ना बेटे, तो 6,000 रिकवर किया तो नए बिल में उस 6,000 को उसने रिकवर किया तो नया बिल का तो हिस्सा बनेगा ना। पर मतलब एक लोन लेने के लिए आपने लोन लिया,
समझ में आ रहा है? मतलब 6,000 का लोन था, उसे पे करने के लिए आपने 8,000 का लोन ले लिया, और आप बोल रहे हो कि 6,000 तो पे कर दिया ना, अभी दो ही पे करूंगा। ऐसे कैसे भाई साहब? आपने 6,000 का लोन पे करने के लिए 8,000 का लोन लिया, तो आपको तो पे 8,000 करने हैं ना पूरे। अबे सोहन, आईफोन दिला दो मने। समझ में आ गया था, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट अबरार, बहुत बढ़िया। बिल्स फॉर कलेक्शन बकवास है, कुछ सवाल ही नहीं होता इसको करने का। तो भाई साहब मेरे हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है? कल हम स्टार्ट करेंगे सोल प्रोपरेटर फाइनल अकाउंट्स। सोहन, मारवाड़ी थोड़ी थोड़ी आती है बेटे, बहुत नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी। हाँ खुद सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा कंसेप्ट। तो ठीक है, कल का लेक्चर हम क्या करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ सोल प्रोपरेटर फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद इन केस अगर आपको कल लगता है कि सर वो एक बार कल वाला समय को डाउट था, वो डाउट बता दीजिए, तो कल वो डाउट खत्म करके फिर सोल प्रोपराइटर कंटिन्यू करूंगा। चलो बोलो। अच्छा, किसी का एक का डाउट था इलस्ट्रेशन 9 में, कौन था पूछना जरा फटाफट। कैश बुक तो करा देना बेटे, बीची बर्ड। तंजू सर थियरी कहाँ से करनी, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, समय है उसके लिए। हाँ हितांशी पूछो ना बेटे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हितांशी पूछो बेटे, डाउट पूछो, इलस्ट्रेशन 9 में क्या डाउट था आपका। सेकेंड, कल से मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। हितांशी एक काम करते हैं बेटे, काम करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा डाउट आपका जो भी रहेगा ना। कल सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ सोल प्रोप्रेटर फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट बूम कितने मार्क्स और सेकंड कितने की, नहीं रे बूम क्या रहता, रिया करो, डिप्रेशन इज नॉट कंप्लीटेड येट। अरे चैप्टर खत्म हो गया रश भी, अरे और कहाँ बाकी इस चैप्टर में कुछ, सब तो खत्म कर दिए हैं। जॉर्ज का बिल रिसीवेबल जो था वो एंडोर्स किया, उसका पेमेंट रिसीव हुआ ही नहीं ना बेटे, उसका पेमेंट रिसीव हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जॉर्ज से गया जैक के पास, जैक से फिर से हैरी के पास, हैरी अपने आप को कैसे पेमेंट करेगा, इसलिए कैंसल।
बुक से मार्क्स का बाद में बताऊंगा बेटे, चैप्टर वाइज मार्क्स ऐसे बुक्स वाइज नहीं बता सकता, बट ऐसे मान के चलो ऑलमोस्ट 50-50% वेटेज है दोनों बुक का, क्योंकि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स मॉड्यूल वन में ज़्यादा है, मॉड्यूल टू में कम है, वेटेज बराबर बराबर का है। ठीक है, ओके, तो चलो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, वी विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, वी विल बी मीटिंग टुमोरो इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। हाँ तो 20,000 उसने 2 लाख का सेल किया ना, इसीलिए ना बता बेटे, सोहन चैप्टर कल चालू करने वाला हूँ मैं, आज चालू थोड़ी ना करने वाला हूँ, मैंने रखने का कल बताऊंगा। ठीक है हितांशी, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा ये चीज़, आपका जो डाउट है कॉल पे करवा दूंगा हितांशी। ठीक है आज इवनिंग में कॉल करना मुझे। मॉड्यूल वन में सिर्फ इन्वेंट्री वाला चैप्टर पेंडिंग है बेटे, इन्वेंट्री वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे। ठीक है सो यस लेट अस, हाँ प्रश बिहारी पता है मुझे, बचा है पता है, वेरी गुड विश यू, यस ओके 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 फाइन वेरी गुड, चलो कल मिलेंगे सुबह 8 बजे फिर से सोल प्रोमोटर।